Hey everyone, कैसे आप सब लोग? Welcome back to our channel RBS Wizard. तो आज क्या है ना, हम हमारी English शुरू करने जा रहे हैं. English में भी हम हमारा first chapter लेंगे जो है Rainbow Book का A Room 10x8. Okay? तो जो आपकी Rainbow Book है वो है 25 marks की and जो आपकी Panorama Book है वो है 15 marks की. तो दोनों books मिला के हो रही हैं आपकी 40 marks की and I assure you that आपका एक भी marks नहीं कटेगा इन 40 marks में से. Okay? तो यार हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा first chapter A Room 10x8. Okay, and the writer of this story is K.S. Duggal. कौन है story का writer? K.S. Duggal. ये आपको याद रखना है, ठीक है? अगर आपसे वन मार्क्स में पूछा जाता है तो आप लिख देना K.S. Duggal, ठीक है? अब मैं आपको एक बार पूरी स्टोरी का ओवरव्यू दे देती हूँ, आपको एक बार ब्रीफ में समझा देती हूँ कि स्टोरी में आखिरकार हुआ क्या है. ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि जो मिस्टर मलिक जो होते हैं वो उनका ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली में. ओके, तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली आ जाते हैं. उनकी एक वाइफ होती है मिस्टर मलिक, मिस मलिक, एंड उनकी उनकी जो माँ होती है मिस्टर मलिक की, और एक होता है उनका बेटा. तो ये सारी फैमिली क्या होती है ना, दिल्ली में आ जाती है. फिर क्या होता है, मिस मलिक सोचती हैं कि यार अपन दिल्ली में ही सेटल हो जाते हैं. तो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी कॉलोनी में, एक बहुत ही पॉश कॉलोनी में अपना मकान ले लेते हैं, एक बड़ी रेपुटेटेड कॉलोनी में, मकान नहीं सॉरी प्लॉट ले लेते हैं अपना एक. ओके, तो क्या करते हैं ना, एक दिन क्या होता है कि ये मिस्टर मलिक एंड मिस मलिक अपने नए मकान के ड्राफ्ट प्लान के लिए, ड्राफ्ट प्लान मैंने मेंशन कर दिया है, ये ड्राफ्ट प्लान मतलब मकान का नक्शा, मकान का नक्शा के लिए अपने आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन सा रूम कितने साइज का होना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज बनेगी, कहाँ पर हॉल बनेगा, ये सब ड्राफ्ट प्लान के अंदर आता है. तो वो किसके पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास. तो क्या होता है ना कि मिस मलिक होती है वो बार बार आर्किटेक्ट को बोलती है कि ये जो रूम है ये 10x8 का होना चाहिए. उसने ऐसा नहीं, ऐसा 2-3 बार कर दिया. तो क्या होता है, आर्किटेक्ट जो होता है ना वो उनसे चिढ़ जाता है कि यार ये बार बार ऐसा क्यों बोल रही हैं. तो आर्किटेक्ट उनसे पूछता है कि आप इसका करना क्या चाहती हैं. उन्होंने कहा कि मैं इसका स्टोर रूम बनाना चाहती हूँ. तो आर्किटेक्ट पूछता है इतने बड़े स्टोर रूम का आप करेंगी क्या, इतना बड़ा स्टोर रूम जनरली होता नहीं है. तो मिस मलिक बोल अंदर ही अंदर सोचती हैं कि क्या होगा ना कि मैं स्टोर रूम को अभी तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको रहने के लिए दूंगी और उसके बाद में मैं इसको स्टोर रूम के रूप में इसको यूज़ कर लूँगी. क्लियर है? तो फिर क्या होता है ना, तो ठीक है चलो, उसने मान लेता आर्किटेक्ट बात, ठीक है चलो आपका ये रूम 10x8 का हो जाएगा. उसके बाद क्या होता है कि उनका रूम, उनका जो हाउस है वो बनने स्टार्ट होता है. मिस मलिक जो होती है ना एक बहुत ही मतलब अपना पूरा दिल जान से अपनी पूरी मेहनत करके उसको मकान को बनाती हैं. ओके, फिर क्या होता है ना कि वो जो कभी कभी उनको अगर मजदूर को जरूरत ही पड़ती थी तो हल्का फुल्का मजदूरों की हेल्प भी कर देती थी उसमें. क्लियर है आपको इतना? फिर क्या होता है ना कि जब उनका मकान पूरा बन जाता है तो क्या करती है ना, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है उस मकान को. तो क्या होता है, मिस मलिक को उससे काफी दुख होता है कि इस घर के लिए हमने इतने सपने देखे थे, सारे सपने अब मतलब होता है ना सपने चूर चूर हो गए, तो लाइक ऐसा कुछ वो सोच रही थी. तो इसी के जस्ट बाद एक न्यूज आती है कि मिस्टर मलिक का जो ट्रांसफर हो चुका है, मिस्टर मलिक का फिर से ट्रांसफर हो गया है. तो मिस्टर मलिक और उनकी फैमिली अगेन ट्रांसफर होता है उस जगह में जाती है. ठीक है, तो जाने के बाद क्या होता है ना, ठीक है अब रह रहे सह रहे हैं. तो इसी के बीच में क्या होता है ना, जो मिस मलिक की जो मदर इन लॉ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है. कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो मिस मलिक का जो सन होता है उसकी भी शादी हो जाती है और थोड़े ही टाइम बाद मिस्टर मलिक की भी डेथ हो जाती है. ओके, तो फिर मिस्टर मलिक की डेथ के बाद 3 महीने बाद एक न्यूज़ आती है कि जो आपका घर था जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था उसको रिलीज कर दिया गया है. तो मिस मलिक की बात सुन के काफ़ी खुश होती हैं कि मेरा घर रिलीज कर दिया गया है. तो वो वापस से दिल्ली जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ. अब कौन कौन है स्टोरी में, कौन कौन बच रहा है लास्ट में? मिस मलिक बच रही है, मिस मलिक का सन बच रहा है, और उनकी सन की वो डॉटर इन लॉ बच रही है. ओके, तो ये 3 जने स्टोरी में आखिरी में बच रहे हैं. तो क्या होता है ना कि मंडे का दिन वो डिसाइड करते हैं अपने नए घर में जाने के लिए. तो मंडे का दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया. उस दिन क्या होता है, काफ़ी तेज़ रेन हो रही होती है तो ट्रांसफर करना इतना ईजी नहीं होता है. बट स्टिल मिस मलिक का काफ़ी मन था तो इस वजह से उनके बेटे ने कहा चलो ठीक है हम आज ही के दिन ट्रांसफर करेंगे क्योंकि मंडे का दिन काफ़ी शुभ भी था. तो क्या होता है ना, वो तीनों कार में जा रहे होते हैं तो जो मिस मलिक की जो वो बहू होती है डॉटर इन लॉ, तो वो क्या करती है ना अपने जो उसका जो हस्बैंड होता है मिस मलिक का सन, उससे इंग्लिश में बात कर रही होती है. तो क्या होता है ना, मिस मलिक है वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है कि यार ये क्या इंग्लिश में बात कर रही हैं ये दोनों. तो मिस मलिक थोड़ी सी चिढ़ती हैं उन लोगों से क्योंकि मिस मलिक को इंग्लिश समझ में नहीं आती है. ओके, तो फिर क्या होता है, जो मिस मलिक की जो डॉटर इन लॉ रहती है वो 2-3 बार लिपस्टिक वगैरह करती है, ऐसे मतलब मेकअप करती है, उसे मरून कलर की साड़ी पहनी होती है. तो क्या होता है ना, वो अपने घर में चल जाते हैं नए घर में. तो आखिरकार होता क्या है, मिस मलिक की जो डॉटर इन लॉ होती है वो उनको कहती है कि ये रूम आपके लिए बेस्ट होगा. कौन सा रूम? ये 10x8 रूम जो उन्होंने अपनी
मदर इन लॉ के लिए चूज करा था मिस मलिक ने, तो यार मिस मलिक के देख के बहुत चौंक जाती है, कह रही क्या हुआ ये, तो मैंने मेरी सास के लिए सोचा था और ये अब मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा, यार तो वो एकदम बौखला जाती है ये सब सुन के। तो मैं अब ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती, तो वो सोचती कि यार काश मैंने ऐसा नहीं सोचा होता। तो अब इस स्टोरी से ही हमें यही मिलती है सीख कि जो हम करते हैं ना, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, जो हम आज जो हम हमारे पेरेंट्स के साथ करते हैं वही कल हमारे साथ होगा। तो हमारे पेरेंट्स का और हमसे जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार, उनको सम्मान देना चाहिए, ठीक है, उनको सम्मान देना चाहिए। जो हम आज बो रहे हैं ना वही कल हम काटते हैं, जो हम आज इनपुट्स दे रहे हैं कल हमें वही आउटपुट में मिलता है, क्लियर है। तो यार ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। अब मैं इसकी समरी आपको क्लियर कर देती हूँ, समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। समरी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मिस्टर मलिक वॉज पोस्टेड इन दिल्ली, मिस्टर मलिक की पोस्टिंग हो जाती है दिल्ली में, क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है ही परचेस्ड अ प्लॉट इन दिल्ली, मिस्टर मलिक दिल्ली में बड़ी पोस्ट कॉलोनी में प्लॉट परचेज करते हैं। मिस मलिक डिसाइडेड टू बिल्ड अ हाउस इन दिल्ली, तो मिस मलिक क्या डिसाइड करती है, दिल्ली में घर बनाने का डिसाइड करती है। फोर्थ पॉइंट है मिस मलिक डिसाइडेड टू स्टे इन दिल्ली बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, मिस मलिक क्या करती है, डिसाइड करती है दिल्ली में रहने का। मिस्टर मलिक के काफी ट्रांसफर होते थे ना, जैसे वो परेशान हो जाते थे, उसने सोचा कि यार चलो दिल्ली में ही रहेंगे अब अपन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। मिस मलिक वॉज अ सोशल लेडी, वो क्या थी, एक सोशल लेडी थी बट वॉज इनडिफरेंट टू हर मदर इन लॉ, वो एक सोशल लेडी थी पर उसका जो मदर इन लॉ के लिए जो बर्ताव था ना, जो उसकी सोच थी, उसका जो नेचर था अपनी मदर इन लॉ के लिए, वो काफी इनडिफरेंट, काफी गलत था, काफी बुरा था। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है शी वॉज डिस्कसिंग ड्राफ्ट प्लान ऑफ हर हाउस विद एन आर्किटेक्ट, मिस मलिक क्या कर रही थी, डिस्कस कर रही थी अपने घर का ड्राफ्ट प्लान किसके साथ, आर्किटेक्ट के साथ, अपने घर का ड्राफ्ट प्लान डिस्कस कर रही थी वो आर्किटेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेवन पॉइंट आता है मिस मलिक सजेस्टेड अ स्टोर रूम ऑफ साइज 10x8, मिस मलिक क्या कर रही थी, अपने स्टोर रूम का साइज बार बार सजेस्ट कर रही थी कि 10x8 का होना चाहिए, 10x8 का होना चाहिए। तो क्या होता है, एन आर्किटेक्ट वॉज पजल्ड एट दिस, आर्किटेक्ट पजल्ड हो जाता है यार, वो सोचता है कि क्या बार बार ये की बात बोल रही है, वो बिल्कुल सेंसलेस, ठीक है। एट पॉइंट आता है मिस मलिक वॉन्ट्स टू यूज दिस स्टोर रूम फॉर हर मदर इन लॉ, मिस मलिक के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मैं इस रूम में अपनी सासू माँ को रखूंगी और उनके बाद इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दूंगी। नाइन पॉइंट आता है आफ्टर हर मदर इन लॉ डेथ शी वॉन्टेड टू कन्वर्ट दिस रूम 10x8 रूम इंटू स्टोर रूम, मदर इन लॉ की डेथ के बाद क्या सोचती है वो कि मैं इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दूंगी, ओके। शी टुक मी कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग दिस हाउस, वो काफी इंटरेस्ट के साथ ये हाउस बना रही थी, ठीक है, अपना जो घर है, काफी सपने देखे रहते हैं ना हम, हमारे घर के लिए हमारे घर को ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, तो वो भी काफी इंटरेस्ट के साथ अपना घर बना रही थी, ठीक है। घर बनने तैयार हो गया बिफोर शिफ्टिंग टू न्यू हाउस इट वॉज अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, वो जब तक अपने नए घर में जाते हैं उसको क्या कर लिया था गवर्नमेंट, अपने अंडर में ले लिया था, अक्वायर कर लिया था उसको। नेक्स्ट 12 पॉइंट आता है देयर फैमिली वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, अगेन मिस्टर मलिक का आया था न्यूज कि मिस्टर मलिक की फिर से ट्रांसफर हो गया दिल्ली से, तो ठीक है दिल्ली से ट्रांसफर हो गया उनका। मिस मलिक मदर इन लॉ पास्ट अवे, इसी बीच उनकी मदर इन लॉ की भी डेथ हो जाती है। हर सन गॉट मैरिड, मिस मलिक का जो बेटा होता है उसकी भी शादी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट मिस मलिक ऑल्सो पास्ट अवे, मिस्टर मलिक ऑल्सो पास्ट अवे, जो मिस्टर मलिक होते थे वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है। 3 months later, their house was released by government. 3 महीने बाद क्या न्यूज आती है कि उनका जो घर है गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। तो अभी 16 पॉइंट्स ये हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं आपको और डिस्कस कर देती हूँ, अभी आप इनको नोट डाउन कर लो, ओके आगे बढ़ते हैं। ये जो नोट्स है ना, ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे, आपके एग्जाम से एक दिन पहले जब आपको छुट्टी मिलेगी ना, तो आप उसमें इनको आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ओके नोट डाउन कर लो इनको। अब हम आ जाते हैं हमारे 17 पॉइंट पर। 17 पॉइंट क्या कह रहा है, देयर फैमिली रिटर्न बैक टू दिल्ली, उनकी फैमिली वापस दिल्ली आ जाती है ना, उनके जब उनको न्यूज मिलती है कि उनका जो हाउस है वो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया, तो वापस दिल्ली आ जाता है, तो देयर फैमिली रिटर्न बैक टू दिल्ली। 18 पॉइंट है मंडे वॉज ऑस्पिशियस डे फॉर शिफ्टिंग, मंडे का जो दिन था ना वो काफी शुभ था उनके घर की शिफ्टिंग के लिए, ठीक है, तो उस दिन काफी रेनिंग भी हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैवीली, उस दिन काफी रेनिंग हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। नेक्स्ट 20 पॉइंट 19 पॉइंट तो ये है इट वॉज रेनिंग हैवीली, एंड 20 पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली
मिसेस मलिक वॉज गिवन द सेम 10x8 रूम बाय हर डॉटर. वो घर में चल जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो होती है डॉटर इन लॉ उनसे कहती है कि मम्मी आपके लिए ये वाला रूम बेस्ट रहेगा, ठीक है. तो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली मिसेस मलिक वॉज गिवन द सेम 10x8 रूम बाय हर डॉटर इन लॉ विच वॉज मिसेस मलिक प्लान फॉर हर मदर इन लॉ. आखिरकार वही होता है जो मिसेस मलिक अपनी मदर इन लॉ के लिए रूम प्लान कर रही थी, आखिरकार वही रूम मिसेस मलिक को मिल जाता है. तो स्टोरी ये यहीं तक एंड हो जाती है. आपको मैंने 20 पॉइंट्स लिखवा दिए, सो मैंने आपकी सारी समरी कवर करवा दी है. तो डायरेक्ट आप इन पॉइंट्स को उठाकर आपके आंसर्स में रख सकते हैं. ओके, तो अब मैं ले लूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इस चैप्टर से दो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में. तो पहला क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू हूम. कौन सजेस्ट कर रहा था? मिसेस मलिक सजेस्ट कर रही थी. किसको? आर्किटेक्ट को सजेस्ट कर रही थी. तो ये पॉइंट्स मैंने आपको इनमें मेरी समरी में लिखवा दिए हैं. रेफर पॉइंट 6 एंड 7. जो पॉइंट 6 और 7 है ना, उसको मैच करना है इससे, ठीक है, उसको लिख देना, उन दोनों पॉइंट्स को इसके अंदर लिख देना. ये क्वेश्चन आरबीसी 2020 में पूछा गया है 2 मार्क्स में. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, व्हाई वाज मिसेस मलिक फ्यूरियस. मिसेस मलिक को गुस्सा क्यों आता है? ये वाला 20 पॉइंट, क्योंकि उनको आखिरकार वही रूम मिल जाता है. तो उनको अपने खुद पर गुस्सा आता है, उनको आखिरकार वही रूम मिलता है जो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए रखा था, उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए सोच रखा था, ठीक है. तो इसको 20 पॉइंट रेफर करके इसका आंसर आप मन से बराबर लिख सकते हैं. आरबीएससी 2018 में ये 2 मार्क्स में पूछा गया है. कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसके बाद लिखवा देती हूँ. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. क्वेश्चन लेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं. राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस मलिक. मिसेस मलिक का कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है. तो मिसेस मलिक के कैरेक्टर स्केचेस हैं, स्केचेस के पॉइंट है. मिस्टर मलिक के कैरेक्टर स्केच के पॉइंट है, मिसेस मलिक वॉज वेरी सोशल एंड हार्डवर्किंग लेडी. मिसेस मलिक क्या थी? काफी सोशल और हार्डवर्किंग लेडी थी, ठीक है. शी हैड फ्रेंडली रिलेशंस इन हर इन द कॉलोनी. उनकी जो कॉलोनी थी उसके अंदर काफी उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे लोगों के साथ. शी वॉज प्रैक्टिकल एंड रिस्पॉन्सिबल मदर. वो एक रिस्पॉन्सिबल और एक प्रैक्टिकल मदर थी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा, शी डिड नॉट लाइक हर मदर इन लॉ. उनको उनकी सास जो थी ना, उनकी सास जो थी मदर इन लॉ, वो उनको पसंद नहीं थी मिसेस मलिक को. ओके, शी बिलोंग्स टू रिच एंड फैशनेबल सोसाइटी. मिसेस मलिक जो थी ना, वो काफी रिच और फैशनेबल सोसाइटी से बिलोंग करती थी, ठीक है. शी परचेज्ड अ प्लॉट इन वीआईपी कॉलोनी. उन लोगों ने क्या करा, एक वीआईपी कॉलोनी में प्लॉट परचेज करा, ठीक है, जिस पर वो घर बनाने वाले थे. शी प्लान्ड हर हाउस वेरी वेल. उन्हें अपने घर का प्लान जो था ना, काफी अच्छा प्लान करा था, अपना ड्राफ्ट प्लान बनवाया. उसमें भी उन्होंने काफी मदद कर, अपना घर बनाने में भी उन्होंने काफी दिल लगा के अपना घर बनाया है. और जो उसमें कभी छोटा मोटा काम भी पड़ता था, तो वो अपना घर में कुछ भी काम कराने के लिए पीछे नहीं हटती थी किसी भी काम करने के लिए, ठीक है. शी डिसाइडेड टू सेटल इन दिल्ली. उन्होंने क्या डिसाइड करा, अपने घर में सेटल, दिल्ली में सेटल होने का डिसाइड करा. उनके हस्बैंड के काफी ट्रांसफर्स होते थे, तो उससे काफी परेशान रहती थी वो. तो उन्हें क्या सोचा कि अब हम दिल्ली में रहेंगे, ठीक है. शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर डॉटर इन लॉ एटीट्यूड. जो उनकी बहू थी ना, मिसेस मलिक की जो बहू थी, उनके एटीट्यूड से वो खुश नहीं थी, उनको पसंद नहीं था उसका एटीट्यूड. जैसे वो इंग्लिश बोलती थी पूरे दिन, काफी टाइम मेकअप करती थी, उनको उनकी बहू का वो एटीट्यूड उनको पसंद नहीं था. ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, हमने कवर कर लिया है. राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस मलिक, की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, बाकी उनको मैं आपको लिखवा देती हूँ. ओके, आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपके एग्जाम में 5 मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और बाकी आप इनको पढ़ के भी ना छोटे क्वेश्चन के आंसर इजिली दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ले लेंगे. व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ. वो अपनी डॉटर इन लॉ को क्यों पसंद नहीं करती थी, क्या डिसलाइक, क्यों नहीं पसंद करती थी. हाउ डिड मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ. मिसेस मलिक के अपनी बहू के लिए क्या व्यू थे, अपनी डॉटर इन लॉ के लिए क्या व्यूज थे. तो मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ बिकॉज, क्यों नहीं लाइक करती थी. शी वॉज टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश. जो मिसेस मलिक का जो बेटा था ना, वो इंग्लिश में बात कर रही थी, तो मिसेस मलिक को लगता था ये शो ऑफ कर रही है. शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स इन कार. जब वो अपने घर के लिए आ रहे थे, जब अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए आ रहे थे, तो वो क्या कर रही थी, अपने लिप्स को रीपेंटिंग, लिपस्टिक लगा रही थी वापस से, ठीक है. शी वॉज वेयरिंग मरून साड़ी. जो उसने क्या पहन रखी थी, मरून साड़ी पहन रखी थी, विच वॉज डिसलाइक्ड बाय मिस मलिक.
मिसेस मलिक को वो पसंद नहीं थी जो उसने मैरून साड़ी पहनी हुई थी. She does not care about feelings of Mrs. Malik. कौन केयर नहीं करती थी उनकी बहू केयर नहीं करती थी मिसेस मलिक की फीलिंग्स का. She act as a rival. Rival मतलब प्रतिद्वंदी. प्रतिद्वंदी मतलब एक तरह से दोनों के बीच में डिफरेंस होना. मतलब डिफरेंस भी नहीं कह सकते कि अगर मैं ये हूँ ना, अगर तुम ये हो तो मैं भी ये हूँ. मतलब अगर तुम इतनी अच्छी होती सुपीरियर हो तो मैं भी सुपीरियर हूँ. मैं भी अपने आप को कम नहीं समझती हूँ. ठीक है, तो एक राइवल मतलब प्रतिद्वंदी होता है. टू मिसेस मलिक स्टेटस, उनके स्टेटस के लिए क्या हो रही थी, प्रतिद्वंदी हो रही थी. हर एक्ट बहुत स्ट्रेंज, उसके जो एक्ट्स थे मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी उसके जो एक्ट्स थे वो अजीब थे. देयर वॉज जनरेशन गैप बिटवीन देम. ये तो हम सब जानते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या था, जनरेशन गैप. तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं. अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ डज द एंड ऑफ रूम अ रूम 10 बाय 16 टू यू. तुम्हें इससे क्या सीख मिलती, तुम्हें ये क्या शिक्षा दे रहा है, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद. दिस स्टोरी इज अ सरकैज़म. ये क्या है, एक व्यंग्य, एक ताना, एक कटाक्ष है ऑन अवर सोशल सेटअप. हमारा जो सोशल सेटअप है उसके ऊपर. द स्टोरी वैलिडेट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. दैट एज यू सॉ सो शैल यू रीड. जैसा तुम भरते हो ना, जैसा तुम बोते हो वही तुम्हें मिलता है. जो तुम आज इनपुट दे रहे हो वही कल तुम्हें आउटपुट से मिलेंगे. जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हें कल सहने को मिलेगा. योर डीड्स एंड कैरेक्टर्स. डीड्स मतलब जो आज आप कर्म कर रहे हो, जो आज आप इनपुट डाल रहे हो, और योर कैरेक्टर जो आज जैसा आपका बर्ताव है, जैसा आपका बर्ताव है लोगों के लिए, डिसाइड्स योर फ्यूचर. वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है. ठीक है, वी हैव टू फॉलो रिजल्ट्स ऑफ अवर एक्शन. हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वी हैव टू फॉलो रिजल्ट्स ऑफ अवर एक्शन. जो आज हम कर रहे हैं काम उसके रिजल्ट्स हमें भुगतने पड़ते हैं. गुड एक्शन लीड्स गुड रिजल्ट्स. अच्छे एक्शन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा. बैड एक्शन लीड्स टू बैड रिजल्ट्स. जो बैड एक्शन हम करेंगे तो हमें बैड रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे. द वे वी डील अवर पेरेंट्स. जिस वे से हम हमारे पेरेंट्स से डील करते हैं, हम बात करते हैं, हमारे बात करने का जो तरीका होता है, वे द सेम वे अवर चिल्ड्रन विल बिहेव विद अस. सेम वे से हमारे जो बच्चे होते हैं हमारे साथ बिहेव करेंगे. ठीक है, द स्मॉल स्टोर रूम ऑफ 10x8 मिसेज मलिक प्लान फॉर हर मदर इन लॉ. जो 10x8 का जो स्टोर रूम था मिसेज मलिक ने जो अपनी मदर इन लॉ के लिए प्लान करा था, फॉल्स बैक ऑन हर. फॉल्स का मतलब यहाँ गिरना नहीं है, फॉल्स का मतलब उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया वो, उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया वो. बैक्स अपॉन हर, उन्हीं के ऊपर. तो यार ये क्वेश्चन है ना, मैंने जो तीन क्वेश्चन लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए, समरी जितनी मैंने लिखाई है पॉइंट्स में, अब उनको पॉइंट वाइज याद कर लेना. उनको एक बार पढ़ भी लोगे ना तो अभी आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो भी आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा. तो इसी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. इन क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करना, और जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे. तो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, तो इन सबको नोट डाउन कर लो और अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है, और इनसे 1 मार्क्स क्वेश्चन जितना भी जो भी होगा ना सब आपको इसमें से आ जाएगा. ओके, तो यार अच्छे से प्रिपेयर करना. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय.